हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस टुडे टूडे इज ट्वेंटी ऑफ नवंबर 2020 और आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे वी विल गाइड यू व्हाट यू शुड रीड एंड व्हाट यू शुड नॉट रीड इन टूडेज न्यूज पेपर बाय यू कैन सेव अ लॉट ऑफ यूर प्रेशियस टाइम बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी न्यूज आइटम्स तो आज के न्यूज में क्या पढ़ना है स्टार्ट ऑन द हिंदू पेज नंबर वन पार्लियामेंट्री पैनल बैट्स फॉर लॉज टू काउंटर बायो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन हेल्थ ने एक रिपोर्ट बनाई है नेम द आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड 19 एंड इट्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नॉट ओनली फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव बट क्योंकि इंडियन पॉलिटी के साथ भी मैच होता है सो पार्लियामेंट्री पैनल फॉर लॉज उंटर बायो टेररिज्म एक पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन हेल्थ ने एक रिपोर्ट पेश की है कोविड 19 पे जिसमें यह भी बात की गई है कि कैसे बायो टेररिज्म फैल सकता है इसमें यह एलिगेशन नहीं लगाया गया है कि कोविड 19 को जानबूझकर फैलाया गया है बट इट इज अ पॉसिबिलिटी सींग द पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय कोविड नाइन्टीन

and then we move on to the regional pages को छोड़कर आप आगे चलेंगे इसमें कुछ भी ज्यादा important आपको नहीं मिलेगा the end of an era on page number एट the end of an era unraveling the mysteries of India's last days in Tibet ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे आई आर परस्पेक्टिव से आप इसकी कटिंग भी रख सकते हैं आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट pointers इंडिया चाइना relations में add कर सकते हैं तो जब भी आप आजकल इंडिया चाइना रिलेशन बहुत हॉट हाँ चल रहे हैं तो इसमें जो तिब्बत का परस्पेक्टिव है उसको देखने के लिए यू कैन एक्चुअली एड दीज पॉइंटर्स टू टू योर आंसर तो ये एक आर्टिकल है जो आपको अभी आपको नहीं भी पढ़ना है बट यू कैन कीप अ कटिंग। इट्स अ गुड आर्टिकल ऑन द इंडिया तिब्बत रिलेशन तो ये आप पढ़ सकते हैं उसके बाद आगे चलेंगे हम ऑन पेज नंबर टेन पेज नंबर टेन बिजनेस पेज इंडिया टू डबल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इन फाइव ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी अगले पांच साल में इंडिया डबल कर देगा और शेयर ऑफ नेचुरल गैस टू बी इंक्रीज अप टू फोर टाइम्स नेचुरल गैस का शेयर इंक्रीज किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके सो इट्स अ गुड स्टेप इसको आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी परस्पेक्टिव से देन आई एन डीसी के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं आई एनडीसीडेड नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि इंडिया ने पैरिस क्लाइमेट डील में फिक्स किए थे देरवर थ्री प्राइमर प्राइमरीलीट इंडिया सर्टिफाइड कि हम ये तीन चीजें करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वेर एवर यू हैव रिटर्न दोज एट दिस पर्टिकुलर थिंग अलॉन्ग विद दो नोट कि इंडिया का यह टारगेट है और इंडिया उसमें से कितना अचीव कर चुका है या फिर किस तरफ इंडिया अपनी प्लानिंग को लेकर जा रहा है so for indian economy perspective as well as environment and ecology perspective this news is important isi ko iske sath jod ke dekh sakte hain disruptive solutions needed in renewables to tackle future renewables mein bahut zyada investment aur bahut hi zyada expansion ki zarurat hai agar hame twin win-win situation अगर हमें achieve करनी है twin targets अगर हमें achieve करने हैं economy को भी अच्छा रखना है और environment और ecology को भी then आगे चलते हैं ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट एफ पेज सो ट्वेल्व नंबर पेज इज एफ पेज ये काफी हद तक इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज जैसा है तो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज डेली आता है बट द हिंदू में एफ एक्ट पेज विल फाइंड ऑन संडेज एंड इट्स अ गुड पेज तो इस पे जो आपको आर्टिकल्स पढ़ने आज दो आर्टिकल्स पढ़ने हैं फर्स्ट इज वाई डिड इंडिया स्टे आउट ऑफ द आरसीईपी डील यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया बाहर क्यों रहा दिस डील हैज़ रिसेंटली बीन साइंड विद विद 16 16 बाय कंट्रीज़ इंडिया एन एक्सेप्शन 16 कंट्रीज को इसका पार्ट बनना था लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं बना है फिफ्टीन कंट्रीज हैव साइंड इट इंक्लूडिंग टेन कंट्रीज ऑफ आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अलॉन्ग विद चाइना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ कोरिया इन सब ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन कर लिया बट इंडिया इज एन एक्सेप्शन इंडिया इज द ओनली मेजर रीजनल पावर दैट हैज नॉट साइन दिस एग्रीमेंट उस वो क्यों साइन नहीं किया बेसिकली इंडिया को अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स को बचाना था डेयरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया एंड बट उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है कि साइन ना करने से इंडिया को क्या नुकसान होगा क्या फायदे होंगे सो वेरी गुड एडिशन टू योर नोट्स ये आपने जरूर पढ़ना है सेकेंड मॉरिटोरियम ऑन इसका एक्सप्लेनेशन बैंकोरियम जैसे कि अभी लक्ष्मी विलास बैंक में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की वजह से आरबीआई ने उसके ऊपर मॉरिटोरियम लगा दिया है दैट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम द डिपॉजिटर्स दे कैन नॉट विदड्रॉ मनी बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट आउट ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक तो मॉरिटोरियम क्या होता है कैसे ऑपरेट करता है वट आर द पावर्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मॉरिटोरियम और इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे एक एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल है जिसे आप इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं इनफैक्ट यू कैन कीप एन कटिंग दिस आर्टिकल एंड ऑफ दिस आर्टिकल एज वेल इसको आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी और इसको भी इंडियन इकोनॉमी में जहां भी आप बैंकिंग के नोट्स बना रहे हैं यू कैन कीप अ कटिंग ऑफ दिस आर्टिकल बिकॉज दीज एफ ए क्यू आर्टिकल दे हैव अट ऑफ ऑर्डर इन दम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो अकेले अकेले पॉइंट को नोट करने की जगह यू कैन सिंपली कट दैम यू कैन मेक अ फाइल ऑफ एवरी सब्जेक्ट इक फाइव सिक्स फाइल्स यू कैन मेंटेन और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है यू कैन जस्ट अंडरलाइन और हाईलाइट दम ताकि उसे एक टाइम पे रिवाइज करने में हेल्प हो इट इज नॉट ऑलवेज फिजिबल की आप रोज दो तीन घंटे लगा के वो सारे नोट्स बनाओ सो इफ यू आर कंफर्टेबल दैट वे यू कैन कीप कटिंग एज वेल विच यू कैन रिवाइज एज अंडी टूल उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑन द सेकेंड न्यूज पेपर द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस में भी मोस्टली रीजनल पेजेस को अगर हम क्रॉस कर लें जिसपे कुछ आपको न्यूज मिल जाएंगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स अदरवाइज यू कैन स्कीप ऑन पेज नंबर इलेवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस टूडे इन एट मंथ्स फॉर एक्स रिजर्व राइज बाई मोर देन हंड्रेड बिलियन डॉलर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया के वो 572 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इसका आपको जहां भी इंडियन इकॉनमी में आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे आप इस पॉइंट को ऐड करेंगे यू डू नॉट नीड टू कट दिस न्यूज आपको बस एक दो लाइंस में वो कंक्लूजन निकालना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों राइज हो रहे हैं डिस्पाइट ईच एंड एवरीथिंग गोइंग डाउनवर्ड्स वाई द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व आर गोइंग अपवर्ड्स बेसिकली दे आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स एज कंपेयर टू इंपोर्ट तो मे बी द लास्ट फ्यू मंथ्स, द इम्पोर्ट्स तो जो भी इसका रीजन रहा हो यू हैव टू रीज़न आउट एंड इट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन इकॉनमी परिजर्व क्या होता है और किन किन चीजों से बनता है यह भी आपको अच्छे से देखना है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या उसके कंपोनेट है डॉलर और रुपी के एक्सचेंज रेशियो में क्या रिलेशन है ये फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इनफैक्ट देर रिटन ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई मतलब आज तक इतने हाई फॉर एक्स रिजर्व इंडिया ने कभी भी नहीं देखे हैं तो ये न्यूज आपको पढ़नी है उसके बाद ऑन द एडिटोरियल पेज ऑन दीज पेजेस ियटेड आर्टिकल इनको आप छोड़ सकते हैं एंड देन ऑन द वर्ल्ड पेज जॉर्जिया मिशिगन डिलीवर ब्लोज टू ट्रम्प बिड टू रिवर्स इलेक्शन रिजल्ट्स फाइनली बहुत दिनों से काउंटिंग चल रही है दो हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं फाइनली मिस्टर जो बाइडेन हैज सीड इज विक्ट्री पहले भी विक्ट्री कंफर्म हो गई थी बट नाउ इट इज सील्ड क्योंकि और जिन स्टेट्स में काउंटिंग रहती थी वहां पर भी मिस्टर जो बाइडन हैज बिन डिक्लेयर एज अनर

एनी वन गेटिंग मेजोरिटी इन दैट पर्टिकुलर इलेक्टोरल कॉलेज बिकम्स द प्रेजिडेंट ऑफ यू एस ये सब चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए सो दिस वॉज ऑल दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट यू हैव टू रीड इन द न्यूज पेपर टूडे राइट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अस स्टे